जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि हम भी पीते हैं, हमें नहीं पकड़ा जाता है, तो मैं चाहूँगा कि आप पहला गिरफ्तारी उन्हीं का कीजिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस सरकार में एनडीए सरकार में है और एनडीए सरकार में ही फैसला लिया गया और उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन भी हो रहा है, तो माननीय केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के बयान को मैं सीरियस लेता हूं और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, कौन सफ़ेद पोष है जो पीता है, जिसे सरकार भी नहीं पकड़ पाती है, और जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि हम भी पीते हैं, हमें नहीं पकड़ा जाता है, तो मैं चाहूँगा कि आप पहला गिरफ्तारी उन्हीं का कीजिए और तब शुरू कर दीजिए सारे सफ़ेद पोषों को और ब्यूरोक्रेट्स कौन लोग पीते हैं कौन लोग नहीं पीते। भाई बिरेन जी, विधानसभा में जिस तरीके से आप लोगों ने शराबबंदी कानून को पूरी तरह समर्थन दिया, 17 महीने की सरकार लगातार 2 बार आपकी रही, 1 बार 22 महीना का 17 महीना, तो रत्नेश सदा का कल एक बहुत विवादास्पद बयान आया है, मंत्री हैं वो मद निषेध के, उन्होंने स्वीकार किया है कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है और दलित महादलित के नौजवानों को बरगरा कर कराया जा रहा है। आज बिहार में नौजवानों का भविष्य खतरे में है, आज पूरा नशा पुरानी जो है स्मैक गांजा और इस तरह का जो पदार्थ है पूरे तौर पे पूरे बिहार में नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं ये कहूँगा कि इस तरह का जो काम हो रहा है, जो आपने शराबबंदी किया, शराब आ कहाँ से रहा है, और आपके मंत्री मद निषेध के जो बोल रहे हैं, आखिर ये कहाँ से आ रहा है शराब, जो 4-5 मैंने बॉर्डर पड़ता है दूसरे राज्यों का, एक दूसरा राष्ट्र है उसका नाम है नेपाल, बगल में झारखंड है, बगल में उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों से शराब का खेप जब आ रहा है तो आखिर कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता जरूर है, और केवल नाम है बंद का और खुल्लेआम बेड डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी नहीं, बेड डिलीवरी हो रहा है। मंत्री जी को जानकारी कम है, बेड डिलीवरी हो रहा है। भाई बहन जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी एनडीए के साथ रहते तो सवाल 6 महीना के बाद ये उठना शुरू हो जाता है कि कम बैक महागठबंधन में आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार तो 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो इस तरह की संभावना लगातार क्यों बनी रही, क्या लग रहा है एक बार फिर कम बैक करेंगे? अच्छा, इस पर जवाब उन्हीं से लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अभी इंतजार कीजिए और देखिए आगे होता है क्या क्या। भाई बिरेन जी, तेजस्वी जी यात्रा पर हैं और लगातार घूम रहे हैं, पर मिलन का वीडियो और फोटो को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले आए या फिर लालू यादव फोन किए। तेजस्वी यादव का कहना है कि विधायकों की बैठक चल रही थी और तमाम विधायक हमारे उपस्थित थे, उसी दौरान नीतीश कुमार आए और गिड़गिड़ा रहे थे, बोल रहे थे कि बचा लीजिए। ये बड़े नेताओं की बात है और मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था, माननीय मुख्यमंत्री सही माने में आए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आप लोगों के साथ रहना और महागठबंधन में शामिल होना और एनडीए से हम निजात पाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया कि आइए वेलकम और महागठबंधन का अंग बने, मुख्यमंत्री हम लोगों ने माना, सरकार बनी। पर जेडीयू के नेता हैं वो कह रहे हैं कि लालू यादव पहले फोन किए थे तब नीतीश कुमार गए ना। आप ये जान लीजिए जेडीयू में कोई कुछ नहीं है, कौन क्या कहता है हम कोई सुनने का तैयार नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं सब वही हैं, नीचे से लेकर ऊपर जो भी बोलते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वो बनावटी बोलते हैं और सुग्गा को जैसे सिखाया जाता है वैसे ही बोलता है लोग, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। नीतीश कुमार जी जल्द ही फिर आने वाले हैं, बस यही जान लीजिए। कोर्ट ने जमानत दे दिया है, क्या लग रहा है? ये एनडीए का उल्टी गिनती शुरू हो गया, केजरीवाल का बेल मिलना हमको लगता है न्याय पर भरोसा हम लोग को है, कल भी था आज भी है कल भी रहेगा भरोसा, और न्यायालय ने फैसला किया है और जो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। मांझी राहुल गांधी को देशद्रोही बता रहे हैं, क्या कहें? कौन? जीतन राम मांझी क्या बोलेंगे, आदरणीय हैं हमारे,
गार्जियन हैं उनको के रूप में मानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा सही माने में इलाज करा लेना चाहिए कि क्या बोलना है, या राय ले लेना चाहिए। अब तो पीए कै गो होगा तो राय ले लेना चाहिए किनके किनको क्या बोल दें क्या नहीं बोलें। और थोड़ा सा उम्र का भी फर्क है, और उनका कोई दोष नहीं है, उम्र का फर्क है, और उम्र ज्यादा हो जाने के बाद तो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी हो जाती है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।